हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था गांधी युग को, मैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता आंदोलन के चरण थे उन पर वीडियो बना रहा था, जिसमें आपके तीन वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। उसी के बीच मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो गांधी युग के पैरेलल चीज़ें चल रही थी, समानांतर जो क्रांतिकारी चीज़ें भी चल रही थी, उनको भी हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करने वाले थे। तो यही वो वीडियो है जिसमें हम लोग अपने गांधी युग के समांतर चलने वाले क्रांतिकारी चरणों की बात करेंगे। तो वहीं से आपकी जो हेडिंग लगी है, देखिए, क्रांतिकारी चरण, और साफ साफ लिखा भी है असहयोग आंदोलन के उपरांत। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था कि गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था सन 1920 से लेकर सन 1922 तक, जिसका नाम उन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन। चूँकि असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था, इसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़ चुके थे, जितने बड़े बड़े नेता थे उसको, उन सभी को इस आंदोलन से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल रही थी, और सभी को लगता था कि समय बीतते बीतते हम लोग इस असहयोग आंदोलन के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 में एक घटना होती है जिसको नाम देते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड, जो कि आपके गोरखपुर में है। इसकी घटना से आहत होकर अपना गांधी जी जो हैं वो असहयोग आंदोलन को वापस कर लेते हैं। तो जिससे जो क्रांतिकारी नेता होते हैं जिन्होंने गांधी के साथ चलना शुरू किया था, वो पुनः गांधी से अलग होकर अपने फिर से एक क्रांतिकारी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ाते हैं। और उस कड़ी में जो सबसे पहले परिणाम निकल के आता है वो आता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1924 में। जैसे आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन के उपरांत एक पार्टी बनाई गई थी इलाहाबाद में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, जिसे मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास ने बनाया था, क्योंकि वो भी गांधी जी से अलग हुए थे। और इधर भी गांधी जी से अलग होने के बाद सन 1924 में एक पार्टी बनती होती है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना आपके करते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल जी। पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी। और मैंने आपको जैसे बताया इस संस्था का मूल उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत कराना, यानी गांधी जी के आने के बाद जो क्रांतिकारी चरण धीरे धीरे उदारवादी और राष्ट्रवादी में बदलता जा रहा था, असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद पुनः फिर से वो जाग गया था। तो जब इस पार्टी का गठन होता है तो इस पार्टी के द्वारा एक कांड किया जाता है जिसको हम लोग नाम जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। इस काकोरी कांड को कब घटना घटित होती है, तो 9 अगस्त 1925, इसे हम लोग अगस्त डकैती के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, काकोरी कांड कब होता है, तो 1925 को होता है। क्या लिखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी की लूट, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य होते हैं ये लोग क्या करते हैं, आपके लखनऊ से सहारनपुर एक मालगाड़ी जाती है, उस मालगाड़ी को लूट लेते हैं। और इस लूट में जो चार मुख्य सदस्य होते हैं, जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी, इन सभी लोगों को पकड़कर अंततोगत्ता फांसी दे दी जाती है। आपके आर ओ 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई, तो फ्रेंड रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी है वो आपके गोरखपुर में दी गई थी। ध्यान रखिएगा, इनको पकड़ा तो जाता है आपके लखनऊ में, कहाँ पकड़ा जाता है, लखनऊ के काकोरी में, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी जाती है वो आपके गोरखपुर में दी जाती है। इन बड़े नेताओं के फांसी होने के बाद होता क्या है कि एक नई पार्टी का गठन होता है, और यही आपकी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था इसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया, इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, यानी सामाजिक, थोड़ा आप सामाजिक लोगों के साथ भी जुड़ा जाए, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HSRA। ये पार्टी आपकी HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पार्टी में आपके उस समय के दो बड़े और गद्दावर नेता थे जिनका नाम था भगत सिंह और
चंद्रशेखर आजाद। यानी चंद्रशेखर आजाद का इस पार्टी को गठन करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और भगत सिंह भी चंद्रशेखर आजाद के साथ थे। भगत सिंह एक और पार्टी का पंजाब में गठन करते हैं जिसका नाम होता है नौजवान सभा। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा पंजाब में एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है नौजवान सभा। यानी एक तरफ आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दूसरी तरफ नौजवान सभा। इस पार्टी का गठन का जो मूल कारण होता है वो होता है 1928 का साइमन कमीशन। क्या होता है, साइमन कमीशन जो है वो आपका 1928 को बम्बई पहुंचता है और इस साइमन कमीशन का बहुत ज़ोरदार भरपूर विरोध होता है। विरोध का कारण क्या था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो रॉलेट एक्ट की समीक्षा के लिए आया था। अब रॉलेट एक्ट का आपको इतिहास पता होगा, जलियांवाले बाग कांड से संबंधित है। तो उसी रॉलेट एक्ट की समीक्षा के लिए एक कमीशन आता है जिसका नाम होता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सभी सदस्य आपके अंग्रेज होते हैं, जिसका विरोध में आपके लाला लाजपत राय सबसे आगे होते हैं। लाला लाजपत राय जो आगे होते हैं तो इनके आपको एक पुलिस अधीक्षक होते हैं जिनका नाम होता है सैंडर्स। उनकी लाठी लगने से क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो उनसे मिलने उस समय आपके भगत सिंह जाते हैं और भगत सिंह वादा करते हैं कि आपके खून का एक एक लहू का बदला मैं लेकर रहूँगा। तो यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की एक पहली क्रांतिकारी घटना होती है जिसे हम लोग जानते हैं सैंडर्स की हत्या के नाम से। यह हत्या कब होती है, दिसंबर 1928 को। यानी सैंडर्स की हत्या जो है वो कब होती है, दिसंबर 1928 को। पॉइंट्स लिखा है कि HSRA यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह आजाद और राजगुरु द्वारा की गई। यानी वही सैंडर्स जिन्होंने लाला लाजपत को लाठी मारी थी उन्हीं की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा कर दी जाती है। और इनकी हत्या करने के बाद ये सभी लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं और बहुत दिनों तक ब्रिटिश को नहीं मिलते हैं। जब ब्रिटिश के हाथ पांव फूल जाते हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वो लोग आम जनमानस पे अपनी प्रताड़ना निकालने लगते हैं। यानी जो आम जनमानस था उस पे अपनी पूरी गुस्सा निकालते हैं, कौन, ब्रिटिश लोग। जब ये चीज़ भगत सिंह और आज़ाद देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे आम लोगों को बचाया जाए। तो उनके मन में विचार आता है क्यों ना हम लोग अपना आप को समर्पित कर दें ब्रिटिश को, यानी सरेंडर कर दें। तो लेकिन भगत सिंह चूँकि क्रांतिकारी नेता थे तो ऐसे आसानी से तो वो समर्पण अपना नहीं करेंगे। तो एक दिमाग में प्लान आता है कि ऐसा करते हैं अपने धमाकेदार स्टाइल, यानी जैसा अब नाम है उसी टाइप का ब्रांड का काम किया जाए। तो वो करते क्या है, एक कांड एक और करते हैं, मतलब कांडों से इनकी ज़िंदगी भरी हुई थी। एक कांड, ये कांड कौन सा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। यानी दिल्ली में आपका जब बैठक चल रही होती है, कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने दोस्त, मतलब उनके दोस्त साथी होते हैं, उनके साथ जाते हैं और जो हॉल होता है उस हॉल में खाली कुर्सियों पर बम फेंक देते हैं। और उन बम को दगने के बाद एक साथ में कागज़ भी निकलता है जिसमें लिखा होता है कि बहरो कानों को है सुनाना। यानी इसका मतलब क्या था, बहरे कानों को है सुनाना कि जो आप बात नहीं सुन रहे हो हम वो सुनाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको सुनता दे दो, वरना अभी तो सैंडर्स मरे हैं, आगे देखो कौन कौन मरेगा। लेकिन चूँकि भगत सिंह का एक प्लान भी था अपने आप को समर्पित करने का, सरेंडर करने का, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनता है कि भगत सिंह को किस कांड में पकड़ा गया था, तो पकड़ा गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड में। लेकिन जो इनका इनको फांसी दी गई थी वो इनको इस चीज़ के लिए फांसी नहीं गई थी, वो फांसी इनको दी गई थी सैंडर्स की हत्या जो उन्होंने कहा की थी लाहौर में। तो क्वेश्चन हम लोगों को कन्फ्यूज़न करने के लिए ये बना देते हैं कि भगत सिंह को फांसी किस कारण से दी गई थी। वहां ऑप्शन आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और लाहौर हत्याकांड भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह को फांसी लाहौर हत्याकांड के अंतर्गत दी गई थी, ना कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के लिए उन्हें पकड़ा गया था। वही लिखा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। यानी जब 1929 में, देखिए यह घटना कब होती है, 8 अप्रैल 1929 को, अब भगत सिंह जी पकड़ लिए गए हैं। तो होता क्या है कि 1929 में भगत सिंह पर एक मुकदमा चलाया जाता है, उस मुकदमे का नाम क्या होता है, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। यही लाहौर षड्यंत्र मुकदमा आपका सैंडर्स की हत्या का था जो भगत सिंह पे चलाया जाता है।
इसी बीच में एक समझौता जो मैंने आपको कल बताया था गांधी इरविन का होता है, जिसमें इरविन भगत सिंह की फांसी को मतलब रोकने से मना कर देता है कि वो जीत पर अड़ जाता है। तो क्या होता है कि उसका परिणाम यह निकलता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये ट्रायो ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं कि भगत सिंह को फांसी किन दो लोगों के साथ दी गई थी। तो भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ में फांसी दे दी जाती है। तो इसी 23 मार्च को हम लोग अपने भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि शहीद दिवस कब कब मनाया जाता है, तो भारत में दो शहीद दिवस मनाए जाते हैं। एक शहीद दिवस आपके गांधी जी की मृत्यु पे मनाया जाता है 30 जनवरी को, दूसरा जो आपका शहीद दिवस है आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है भगत सिंह के फांसी देने के दिन पे। ठीक, उससे एक महीने पहले होता क्या है, जब भगत सिंह को 1929 में पकड़ लिया जाता है तो इनके जो साथी होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह को छुड़ाने के बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये भी इसी हत्याकांड से फरार हुए व्यक्ति थे, तो सामने तो नहीं आ सकते लेकिन अंदर से बहुत ये कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह को छुड़ा नहीं पाते हैं। इसी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए वो विचार कर रहे आपके अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों को इनकी खबर लग जाती है तो चारों तरफ से इनको घेर लिया जाता है और अंधाधुंध फायरिंग होती है। तब इनके पास से जब एक गोली बजती है तो ये स्वयं को गोली मार लेते हैं और 27 फरवरी डेट ध्यान रखिएगा 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है। एक तरह से गोली इन्होंने खुद को मारी थी, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी, यानी खुद की मृत्यु। ठीक है, यानी उन्होंने ब्रिटिश के हाथों मरने से अच्छा समझा स्वयं के हाथों से मरना, तो स्वयं को ये गोली अल्फ्रेड पार्क, ध्यान रखिएगा अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम लोग आज़ाद पार्क के नाम से भी इलाहाबाद में जानते हैं, वहाँ आपके चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती। अब समझिए, एक ही महीने में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के दो बड़े नेता भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो आपकी जो पार्टी बहुत ज़्यादा जो एक्टिव थी आपके कांडों में, वो धीरे धीरे बिखरने लगती है। इस पार्टी को बचाने के लिए इस पार्टी के सदस्य क्या करते हैं, एक चुनाव करा के आपके HSRA के नेता चुन लेते हैं, किसको, प्रोफेसर यशपाल को। यानी पार्टी को बचाना है तो भैया, जैसे आपको याद होगा कि जैसे कांग्रेस को इस समय बचाना था तो गांधी परिवार से हटके अलग आपके मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता चुना गया, वैसे ही यहाँ पे क्या था कि जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की मृत्यु हो गई तो पार्टी बिखरने लगी थी। अब पार्टी को एक बड़ा नेता चाहिए था, तो प्रोफेसर यशपाल को नेता HSRA का चुन लिया गया। ये आपके जितने भी कांड थे ये लाहौर यानी उस समय के पंजाब के थे। इधर आपके बंगाल में भी एक कांड होता है जिसे हम लोग चटगांव आर्मरी रेड यानी सस्तागार लूट के नाम से भी जानते हैं। ये रेड आपकी कब होती है, सन 1930 में। कौन करता है, बंगाल के एक फेमस यानी चटगांव में बंगाल के एक फेमस क्रांतिकारी नेता जिनका नाम होता है सूर्यसेन या मास्टरदा। ये होती कैसे है कि सूर्यसेन या मास्टरदा जो होते हैं ये अपने साथी यानी जो उनकी सेना होती है, ब्रिटिश लोगों के कपड़े पहनाकर इस जो आर्मरी होती है यानी शस्त्रागार होता है वहाँ अंदर भेज देते हैं और उनके जितने भी आर्मरी यानी चीज़ें होती हैं सभी लूट लाते हैं। इसीलिए इस लूट को हम लोग आर्मी रेड या शस्त्रागार लूट के नाम से जानते हैं। किसने की थी, तो ये सूर्यसेन या मास्टरदा द्वारा की गई थी, कब, 1930 में। लेकिन 1933 में इन्हें पकड़कर 1934 में फांसी दे दी जाती है। फांसी कहाँ दी जाती है, चटगांव में। चटगांव पड़ता कहाँ है आपका, बंगाल में, ध्यान रहेगा। तो ये घटना कहाँ की थी आपकी, बंगाल में। इसी के समकक्ष एक घटना और घटती, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जेल में एक कैदी होते हैं जिनका नाम होता है जतिन दास। जतिन दास जी भूख हड़ताल कर देते हैं और लगभग 64 दिन तक भूखे रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन हमसे फ्रेंड्स वन लाइनर में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु जेल में भूख हड़ताल की वजह से हुई थी, तो वो आपके कौन है, जतिन दास। और कितने दिन तक ये भूखे रहे थे, तो लगभग 64 दिन तक ये भूखे रहे थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, असहयोग आंदोलन के उपरांत हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में होती है। इसके संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल जी होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो क्रांतिकारी आंदोलन गांधी युग आने के बाद समाप्त हो गए थे उन्हें पुनः जागृत किया जाए।
तो एचआरए की जो सबसे पहली बड़ी और घटना होती है वो होती है आपकी काकोरी कांड सन 1925 में। इस कांड में होता क्या है, काकोरी नामक स्थान पे सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली मालगाड़ी को लूट लिया जाता है और इस लूट में आपके चार बड़े नेता शामिल होते हैं जिन्हें अंततः फांसी दे दी जाती है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लहरी होते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को पकड़ा तो आपका लखनऊ में जाता है काकोरी में, लेकिन फांसी इनको गोरखपुर में दी जाती है। इस पार्टी के धीरे धीरे दमन होने के बाद में एक नई पार्टी का सृजन होता है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, जिसकी स्थापना 1928 में होती है। आपके दो फायर ब्रांड नेता भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक होते हैं। 1928 में ही एक घटना घटित होती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आपके रॉलट एक्ट की समीक्षा के लिए आया था, लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस विरोध में जो सबसे बड़े और आगे व्यक्ति थे वो थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जब इसका विरोध कर रहे थे तो एक पुलिस अधीक्षक होते हैं सैंडर्स, उनकी लाठी से उन्हें चोट पहुँचती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से पहले भगत सिंह उनसे मिलते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो आपके मतलब लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स से लेंगे। और उसी समय सन 1928 में ही ये भगत सिंह, आजाद और राजगुरु मिलकर तीनों मिलकर सैंडर्स की हत्या कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब ब्रिटिश लोग इनको ढूंढ नहीं पाते हैं तो ये आम जनमानस को प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं, जिससे भगत सिंह सोचते हैं क्यों ना ऐसा करें, आम जनमानस को अगर बचाना है तो हम लोग स्वयं से सरेंडर कर दें। लेकिन वो सरेंडर भी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं और दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक देते हैं खाली कुर्सियों पर और पर्चों में लिखा होता है बहरे कानून को है सुनाना। ठीक, उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ा इनको असेंबली बम कांड के लिए जाता है, जबकि फांसी इनको सैंडर्स की हत्या नहीं लाहौर कांड के लिए दिया जाता है। कब फांसी दी जाती है, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दे दी जाती है। उससे पहले एक महीना पहले चंद्रशेखर आज़ाद की एल्फ्रेड पार्क में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद HSRA को टूटने से बचाने के लिए प्रोफेसर यशपाल को उसका नेता चुन लिया जाता है। बंगाल में ही इसके समकक्ष एक घटना घटती है जिसको हम लोग चटगांव आर्मी रेड यानी सत्रागार लूट के नाम से जानते हैं। यह घटना 1930 में घटित होती है। इसके प्रमुख नेता आपके सूर्य सेन, जिन्हें हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। 1930 में घटी यह घटना में 1933 में सूर्य सेन यानी मास्टर दा को पकड़ लिया जाता है और अंतोगत्ता 1934 में उनको फांसी दे दी जाती है। फांसी कहाँ दी जाती है, बंगाल के चटगांव में। इसी के समकक्ष एक और घटना होती है, आपके जेल में एक कैदी होते हैं जिनका नाम होता है जतिन दास। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु जाती है। तो प्रश्न बनता है वर्णन में से कौन सा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु भूख हड़ताल की वजह से हुई थी, वो है आपके जतिन दास। तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी चटगांव सस्त्रागार डकैती हम लोगों ने देखी जो 1930 में होती है, सूर्य सेन जिन्हें हम लोग मास्टरदा के नाम से जानते हैं उन्हें 1934 में फांसी दे जाती है। ये क्रांतिकारी चरण यहीं तक नहीं रुकता है, इसके समांतर और भी चीज़ें होती हैं और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस स्लाइड में हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। 1930 से दो वर्ष पहले 1928 में जो साइमन कमीशन आता है उसे भारी भरकम विरोध के द्वारा वापस भेज दिया जाता है। तो उस समय जो यहाँ के भारत सचिव होते हैं लॉर्ड बैकन हेड, ये कौन है, यहाँ के भारत सचिव हैं, भारत सचिव लॉर्ड बैकन हेड, ये क्या करते हैं, ये आपके भारतीयों को चुनौती देते हैं कि भैया ऐसा है, अगर आप हमारे द्वारा बनाए हुए संविधान को नहीं अपनाना चाहते हो तो आपको हम चुनौती देते हैं कि आप अपने स्वयं का एक संविधान खुद बनाइए। तो इस पे जो आपके होते हैं नेहरू जी, ये नेहरू जी मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और 1928 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इस प्रस्तुत रिपोर्ट में क्या होता है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद लॉर्ड बैकनहेड जो कि भारत के सचिव होते हैं ने चुनौती रखी। चुनौती का परिणाम क्या निकला कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें डोमिनियम स्टेट की मांग की गई थी। कैसा स्टेट, डोमिनियम, यानी जिसपे भारत का भी शासन रहे और ब्रिटिश का भी शासन रहे।
लेकिन डोमिनियन स्टेट की मांग को बाद में खारिज कर दिया जाता है, इस मांग को नहीं माना जाता है और इसके आगे सन 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन और महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू। यानी नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग के बाद क्या होता है, एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे वो डोमिनियन स्टेट की मांग को खारिज कर देते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग को रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 ध्यान रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। और नेहरू जी क्या करते हैं, रावी तट के किनारे झंडा फहराते हैं और अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रखते हैं। और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करते हैं, यानी हम भारतवासी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखकर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये घटना कब होती है, आपके नेहरू रिपोर्ट के बाद में। फिर उसी समय 1930 के आसपास एक आपका उत्तर पश्चिम भारत में, यानी जैसे ये आपका अगर समझें ये मैप है तो इस वाला, ये वाला जो भारत है, इस समय यहाँ पे एक आंदोलन चलता है जिसका नाम होता है लाल कुर्ती आंदोलन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन जिसे कौन चलाता है, जिसे चलाते हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। सीमांत का मतलब देखिए, जैसे ये मान ली भारत है, एक सेकंड के लिए अगर वो ऐसा मान लें कि ये भारत का नक्शा है, तो इस समय यहाँ से अब तो पाकिस्तान शुरू हो गया, तो सीमा के अंत में जो आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम लोग सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इनका जो लाल कुर्ती आंदोलन था, इसमें सभी व्यक्ति लाल कुर्ती पहन के आंदोलन करते थे और यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, यानी किसी भी प्रकार का इसमें हिंसा का कोई भी कार्य नहीं किया गया था। क्योंकि गांधी जी भी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, इसीलिए जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित मुख्य नेता कौन है, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। 1935 के अधिनियम के बाद में बहुत सी चीज़ें भारत में बदल जाती हैं, उसी के कारण 1937 में आपके चुनाव कराए जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रांतीय चुनाव के नाम से जानते हैं। प्रांतीय चुनाव सन 1937 में होते हैं। इस चुनाव में क्या होता है, जरा देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत 11 राज्यों में, ध्यान रखिएगा, उस समय 11 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त होता है, 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाती है और अन्य 3 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इन राज्यों में क्या होता है कि 1935 के तहत 11 राज्यों में चुनाव होते हैं, जिसमें 6 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय चुनाव 1937 में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त होता है, तो 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन है, जिनमें से एक आपका है संयुक्त प्रांत, यानी इस समय का ये यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बंबई और मद्रास, ये वो 6 स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। और अन्य जो 2 हैं वो आपके पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, जिसमें कांग्रेस को गठबंधन यानी अलायंस के साथ में, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होती है और उसके साथ में अन्य पार्टी मिलके अपना दल का नेता कांग्रेस को बनाकर सरकार बना लेती है। बाकी जो 3 राज्य आपके जैसे बंगाल, पंजाब और सिंध, इसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। अगर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो किसे होगा, वो आपकी होगी मुस्लिम लीग। यानी 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है, इसमें कांग्रेस को लगभग 8 राज्यों में सरकार बनाने को मौका मिलता है, जबकि बंगाल, पंजाब और सिंध। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह कौन सा राज्य है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार प्रांतीय चुनाव के द्वारा नहीं बनी थी, तो वो क्षेत्र आपका बंगाल, पंजाब और सिंध का है। देखिए सिंध का तो आजकल वैसे भी पूरा जो सिंध है वो आपका पंजाब में है, सॉरी पाकिस्तान में है, पंजाब का आधा हिस्सा
आपका पता है पाकिस्तान वाला पंजाब आधा भारत में है और बंगाल को दो भागों में तोड़ ही दिया गया था जो आज आपका नया बांग्लादेश है, और बाकी जो बचा हुआ बंगाल है वो अपने पास पश्चिम बंगाल के नाम से है, ममता बनर्जी जी वाला। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रांतीय चुनाव गठित होते हैं, 11 राज्यों में चुनाव हुए, 6 में कांग्रेस बहुमत, 2 में उनके अलायंस और 3 में मुस्लिम लीग। होता क्या है कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध पुनः शुरू हो जाता है और उस समय के जो यहाँ के वायसराय होते हैं लॉर्ड लिथिनगो, वो कोशिश करते हैं कि भारतीय भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। क्योंकि भारतीय पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके भीषण नरसंहार से बहुत ज़्यादा भयभीत और डरे हुए होते हैं, तो वो इस आपके क्या कहते हैं द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो उसी में होता क्या है कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पर, यानी प्रश्न मतलब कि भारत को शामिल होना है कि नहीं शामिल होना है, इसमें कांग्रेस और ब्रिटिश यानी वायसराय जो लॉर्ड लिथिनगो होते हैं उनके बीच में तकरार हो जाती है और कांग्रेस का जितना मंत्रिमंडल होता है वो अपना त्यागपत्र दे देता है कि भैया हम यानी भारत के जो लोग जिनका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जब पूरा मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो मुस्लिम लीग इस त्यागपत्र वाले दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन ये करते हैं कि लोगों को लगता है कि मुक्ति दिवस अंग्रेजों से मुक्ति थी, जबकि मुक्ति दिवस आपके मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। और कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया गया? जब क्यों कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा अपना दे दिया था। क्वेश्चन ये बनता है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाए जाने का समर्थन किसने किया था, तो B.R. अम्बेडकर ने किया था। यानी जब कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रश्न पे अपना इस्तीफा दे दिया तो उस पर मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसका समर्थन आपके B.R. अम्बेडकर भी करते हैं। उसी के आगे एक घटना घटित होती है जिसे आप लोगों को पता होगा, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का जो विचार होता है वो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आता है, लेकिन ये इसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं। इसकी स्थापना यानी आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करते हैं वो रास बिहारी बोस सन 1942 में करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का संबंध चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं है, इसका संबंध आपके मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बनते हैं। इस कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में जब ये कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं होते हैं तो ये अपनी एक स्वयं की संस्था बनाते हैं जिसे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस इस आज़ाद हिंद फौज की पूरी जो कोऑर्डिनेटिंग थी वो सिंगापुर से देखा करते थे रेडियो से, और यही सिंगापुर के रेडियो से उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी थी। कल मैंने जैसे आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो आपके राष्ट्र महात्मा की उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण वाले विद्रोह में, ठीक वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कहाँ कब दी थी? सिंगापुर में रेडियो पे जब वो थे, और ये 1942 का समय वही है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो कांग्रेस हटने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो आज़ाद हिंद फौज को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्रांतिकारी चरण इस 1942 के बाद यानी भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के बाद में पूरी तरह एक तरीके से कह सकते हैं आप समाप्त हो जाता है। इसके समकक्ष और भी चीज़ें चलती हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा की गई, जिसमें आपका रॉलेट एक्ट आएगा, 1909 का मार्लिमेंटो सुधार आएगा, 1919 का आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आएगा, 1927-28 का साइमन कमीशन आएगा, उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन भी आएगा, जिसे हम लोग अपने आगे वाले वीडियो में ब्रिटिश के कार्यक्रम में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।